नमस्कार दोस्तों, इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में, जिसका पूरा नाम है सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज की जो ट्रेन जानकारी है वो है सहरसा बिहार से अमृतसर पंजाब तक चलने वाली सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है। इसका ट्रेन नंबर है 15531। ये जो ट्रेन है अब नए अपडेटेड टाइम टेबल और टिकट किराए के साथ चल रही है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सहरसा जंक्शन से ये ट्रेन जो है हरिद्वार को रात के 3:05 पर एक नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 34:45 बाद अमृतसर जंक्शन में सोमवार को दोपहर के 1:50 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं। 1611 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। एवरेज स्पीड इस रूट पर 46 किलोमीटर पर आवर है। मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन जो है ऑपरेट करता है। अगर बात करें इसके रूट मैप के बारे में तो ये बिहार के सहरसा जंक्शन से स्टार्ट होती है, फिर गगड़िया जंक्शन होते हुए ट्रेन जो है समस्तीपुर मुजफ्फरपुर हाजीपुर को क्रॉस करते हुए छपरा जंक्शन में पहुंचती है, फिर गोरखपुर होते हुए गोंडा जंक्शन के थ्रू सीतापुर जंक्शन में पहुंचती है, फिर मुरादाबाद होते हुए सहारनपुर के बाद ये ट्रेन जो है हरियाणा के अंबाला कैंट, फिर चंडीगढ़ जंक्शन होते हुए ये ट्रेन जो है लुधियाना जंक्शन में पहुँचती है, लुधियाना के बाद जलंधर सिटी जंक्शन ब्यास जंक्शन होते हुए अमृतसर में जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त करती है। अगर बात करें टिकट किराए के बारे में तो इस ट्रेन में सिर्फ जनरल डिब्बे पे होते हैं, आप जनरल डिब्बों में बैठकर जा सकते हैं। तकरीबन 18 जनरल डिब्बे होते हैं जिसमें आप बैठ के जा सकते हैं। तकरीबन इसका किराया लगभग 400 रुपये के करीब है। ये किराया अपडेटेड और सही किराया है, फिर भी आप रेलवे की वेबसाइट या टिकट काउंटर पर जाके जरूर कंफर्म करें, वहाँ से आपको सही किराया जो है कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आगे बात करते हैं सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस के टाइम टेबल के बारे में और जान लेते हैं इसके कौन कौन से स्टेशन आते हैं। सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है सहरसा जंक्शन से हर इतवार को 3:05 पर 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और 34:45 बाद अमृतसर जंक्शन में दोपहर के 1:50 पर 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर पहुंचती है। इसके तकरीबन 28 स्टेशन हैं। जो दूसरा स्टेशन इस ट्रेन का है वो है सिमरी बख्तियारपुर, यहाँ पर ट्रेन जो है रात के 3:22 पर पहुँचती है और 3:24 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। मानसी जंक्शन में ट्रेन जो है 4:06 पर पहुँचती है और 4:08 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और 42 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। मानसी जंक्शन का स्टेशन कोड है MNE। इसके बाद ये ट्रेन जो है खगड़िया जंक्शन बिहार में पहुँचती है। खगड़िया जंक्शन बिहार में 4:18 पर पहुँचती है और 4:23 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 51 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है KGG। खगड़िया जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है हसनपुर रोड में पहुँचती है। हसनपुर रोड में ट्रेन जो है 5:02 पर पहुँचती है और 5:04 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 91 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है रुसेरा घाट रेलवे स्टेशन पर पहुँचती है 5:17 पर और 5:19 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 108 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है ROA। इसके बाद ये ट्रेन जो है सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस, जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है, समस्तीपुर जंक्शन में पहुँचती है 6:15 पर और 6:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 136 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है इसके बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन में 7:15 पर पहुँचती है और 7:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 188 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MFP। इसके बाद हाजीपुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है हाजीपुर जंक्शन बिहार में 8:10 पर पहुँचती है और 8:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 242 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सोनपुर जंक्शन बिहार में ट्रेन जो है 8:23 पर पहुँचती है और 8:25 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 247 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। छपरा जंक्शन बिहार में 10:15 पर पहुंचती है और 10:25 पर वहां से रवाना हो जाती है। इसका यहां पर 10 मिनट का स्टॉप है, 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और यहां पर ये ट्रेन जो है न्यू दिल्ली बरौनी कलोन स्पेशल ट्रेन के साथ क्रॉसिंग होती है।
सिवान जंक्शन जो कि बिहार का आखिरी स्टेशन है, यहाँ पर सुबह 11:15 पर पहुँचती है और 11:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है, 363 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है भटनी जंक्शन उत्तर प्रदेश में पहुँचती है। भटनी जंक्शन में दोपहर के 12 बजे पहुँचती है और 12:05 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 411 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। भटनी जंक्शन का स्टेशन कोड है BTT। भटनी जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है उत्तर प्रदेश के देवरिया सदर में पहुँचती है। देवरिया सदर में ट्रेन जो है दोपहर के 12:30 पर पहुँचती है और 12:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 5 मिनट का स्टॉप है। 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है, 432 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है DEOS। इसके बाद गोरखपुर जंक्शन में जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है दोपहर के 2:25 पर पहुँचती है और 2:40 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 15 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। चंपारण सत्याग्रह एक्सप्रेस के साथ इसकी यहाँ पर क्रॉसिंग होती है और 482 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद बस्ती रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में ट्रेन जो है दोपहर के 3:38 पर पहुँचती है और 3:41 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 548 किलोमीटर की दूरी जो है सहरसा से बस्ती तक कवर कर चुकी होती है और बस्ती रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड है BST। इसके बाद उत्तर प्रदेश के गोंडा जंक्शन में ट्रेन जो है शाम के 5:05 पर पहुँचती है और 5:15 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 634 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है GD। इसके बाद ये ट्रेन जो है सीतापुर जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 8:10 पर पहुँचती है और 8:20 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 792 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है STP। इसके बाद सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अपने अगले स्टेशन बरेली जंक्शन में पहुंचती है रात के 12:01 पर और 12:02 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 1 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 955 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद मुरादाबाद जंक्शन में ये ट्रेन जो है रात के 1:40 पर पहुँचती है और 1:48 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 8 मिनट का स्टॉप है। 4 या 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1044 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसका स्टेशन कोड है MB। इसके बाद सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो उत्तराखंड के लक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है रात के 3:44 पर और 3:46 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 2 मिनट का स्टॉप है। 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। सहरसा से लक्सर की दूरी जो है 1185 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है सहारनपुर जंक्शन में पहुंचती है। सहारनपुर जंक्शन में इसका पहुंचने का समय है सुबह 5 बजे और 5:10 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 10 मिनट का स्टॉप है। 5 या 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1237 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है वो अम्बाला कैंट जंक्शन हरियाणा में सुबह 6:27 पर पहुँचती है और 8 मिनट बाद 6:35 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 8 मिनट का स्टॉप है। 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है और इसके बाद ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ जंक्शन में पहुँचती है सुबह 7:18 पर और 7:36 पर वहाँ से रवाना हो जाती है। 18 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। 1386 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है चंडीगढ़ जंक्शन के बाद ये ट्रेन जो है पंजाब में एंटर करती है। पंजाब के पहले स्टेशन लुधियाना जंक्शन में ये ट्रेन जो है सुबह 7:18 पर पहुंचती है और 7:36 पर वहाँ से रवाना सुबह 9:50 पर पहुंचती है और 10 बजे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर आके ट्रेन जो है रुकती है। आम्रपाली और अमृतसर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ इसकी क्रॉसिंग होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है जलंधर सिटी जंक्शन में पहुंचती है सुबह 11:10 पे और 11:20 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 10 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। 1532 किलोमीटर की दूरी जो है यहाँ तक कवर कर चुकी होती है। इसके बाद ये ट्रेन जो है ब्यास जंक्शन में ये ट्रेन जो है दोपहर के 12:25 पे पहुंचती है और 12:27 पे वहाँ से रवाना हो जाती है। इसका यहाँ पर 2 मिनट का स्टॉप है। 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन जो है रुकती है। इसके बाद सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो अमृतसर जंक्शन पंजाब में दोपहर के 1:50 पर पहुंचती है और 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके अपनी यात्रा जो है समाप्त कर लेती है। यहां तक कि जो टोटल यात्रा है 1600
34 किलोमीटर के करीब ये ट्रेन कवर कर चुकी होती है। दोस्तों इसी के साथ सहरसा अमृतसर जनसाधारण एक्सप्रेस जो कि वाया चंडीगढ़ होकर चलती है उसकी वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट करके जरूर बताएं, या अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की अन्य वीडियोस बनाता रहूं तो भी कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे।